आजादी का अमृत महोत्सव, इसके ऊपर जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। और आज जिनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उनको पर्सनली, उन लेडी को, उनको बहुत, मैं बहुत पसंद करता हूँ। लेडी का नाम है, क्या नाम है? लेडी का नाम है लक्ष्मी सहगल। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कि हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करें, मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर, जिनका नाम है, जिनके ऊपर पढ़ने वाले हैं लक्ष्मी सहगल, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पर बिफोर दैट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर ये सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको प्लीज ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने से क्या होगा, पीडीएफ सारा लेक्चर का आपको इस पे मिल जाएगा, है ना। और ये वाला आप देखेंगे वेबसाइट, इसको आप जरूर जा करके देखें, इसको जा करके फॉलो करें, ताकि इस पे भी बहुत सारा कंटेंट इस पे भी डाल दिया जाता है। और WBCS मेंस आने वाला है 2021 वाला, UPSC 2022 आने वाला है, तो इन सारे के लिए, सबके लिए पढ़ाई हम लोग करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग रेलवे, SSC, WBSS, NDS, CDS, इसका भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो सीरीज है, ये मंडे, वेनसडे एंड सैटरडे को 9 PM पे आएगा, और बाकी दिनों पे मैथ्स का, इंग्लिश का लेक्चर आएगा। ओके, तो रात के 9 बजे हमारा चैनल को जरूर चेक कीजिए, और उसमें जो भी कंटेंट है उसका आप देखिए और उसका नोट्स बनाइए। चलो, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न तक्षशिला। और अपने विजन को डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, डेवलप योर विजन, है ना। लक्ष्मी सहगल बहुत ही खूबसूरत लेडी, दिल से, है ना, दिल से। 1914 में पैदा होती हैं और 2012 में डेथ हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 98 ईयर्स तक ये जिंदा रहती हैं। वेमेन फ्रीडम फाइटर, इनके बारे में बहुत सारे स्टोरी है आप लोग को सुनाएंगे, है ना, क्योंकि सारी कहानी के ऊपर ही हम बेस करके पूरा पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हाइलाइट्स में हम लोग थोड़ा क्या देख लेंगे, लक्ष्मी सहगल इंडियन आर्मी को ज्वाइन करती हैं, और इनका नाम क्या पड़ जाता है, लक्ष्मी सहगल से। अभी लक्ष्मी सहगल भी नहीं है, पहले इनका नाम क्या था, लक्ष्मी स्वामीनाथन, है ना। तो कैसे लक्ष्मी सहगल हुई और कैसे कैप्टन लक्ष्मी हुई, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन बन करके पैदा हुई, लक्ष्मी स्वामीनाथन, और इंडियन नेशनल आर्मी, जो आप देखेंगे आजाद हिंद फौज है, इसको जब ज्वाइन करती हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को, और ये बन जाती हैं कैप्टन लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमेन लोग का एक रेजिमेंट बनाते हैं, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, या झांसी की रानी का रेजिमेंट। इसको ज्वाइन करती हैं, इसको लीड करती हैं, और इसको जब लीड करती हैं ना, है ना, तो इसको लीड जब करती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कैप्टन बन जाती हैं, कैप्टन लक्ष्मी इनका नाम पड़ जाता है, कैप्टन लक्ष्मी बन के लीड करने लगती हैं, ठीक है, झांसी की रानी के रेजिमेंट को लीड करती है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो था इंडियन नेशनल आर्मी में, आजाद हिंद फौज में, इसके लीडर कौन था, कमांडर कौन था, तो आंसर इज लक्ष्मी सहगल। हाँ, अब इनको कुछ दिनों तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करती है ब्रिटिश लोग अगेंस्ट में, तो इनको क्या है, इनको जेल में भी ब्रिटिश लोग डाल देता है, बर्मा के प्रिजन में डाल देता है, मंडले में, ठीक है। चलो, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन बोल करके ये पैदा होती है, लक्ष्मी स्वामीनाथन, और कहाँ पे पैदा होती है, अनक्कारा मद्रास में एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होती है। 1938 में ये ग्रेजुएट होती है, MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम द मद्रास मेडिकल कॉलेज, और फिर डिप्लोमा लेती है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गायनेकोलॉजी, जो बेबी लोग को बर्थ डिलीवरी करवाती है बच्चों का, और ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब ये भी जो सर्जरी में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे बेबी का के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए जो सर्जरी करना पड़ता है, उसमें शी टेकन डिप्लोमा। ओके, तो एज अ डॉक्टर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहां पे काम कर रही थी, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल। ओके, कितना अच्छा नाम है, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल चेन्नई में, ट्रिपलिकन चेन्नई एग्जैक्ट में, यहाँ पे हॉस्पिटल में ये काम करती हैं। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, इनका शादी हुआ एक आदमी से जिसका नाम था PKN राव, और पेशे से वो पायलट थे, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, और शादी नहीं चल पाया तो 1900 आप देखेंगे 40 में ये सिंगापुर निकल जाती है। 38 में ग्रेजुएट हुई और 38 में ही इनका शादी हुआ होगा, और 1940 में 2 सालों में इनका शादी चला नहीं, और डिफरेंसेस की वजह से ये शादी वादी छोड़ छाड़ करके चली गई यहाँ से सिंगापुर, और जा करके ज्वाइन कर लेती है आजाद हिंद फौज। लेकिन ऐसे ज्वाइनिंग कैसे मिल जाएगा, कौन है आप भाई जो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, तो ये जो पहुंची सिंगापुर में, तो सिंगापुर में कुछ आजाद हिंद फौज के कुछ लीडर्स लोग से, कुछ आर्मी लोग से इनका मुलाकात हुआ, और उनके थ्रू सुभाष चंद्र बोस से इनका मुलाकात हुआ। सुभाष चंद्र बोस देखते ही पहचान गए कि ये लेडी के अंदर, इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ दम है, तो सुभाष चंद्र बोस की वो आर्मी को 1943 में ज्वाइन कर लेती हैं। ज्वाइन तो पहले ही मतलब कर चुकी थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जब रेजिमेंट बना तो उसकी चीफ बन गए 1943 में, ठीक है। अब ये जैसे ही बनी इसकी चीफ, तो पहले क्या थी, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, अब डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन से क्या बन गई,
लक्ष्मी, ऐसे देखो इनका नाम अब चेंज हो गया। तो सब लोग अब फेमस, पहले फेमस किससे थी? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन चेन्नई में, इंडिया में। लेकिन सिंगापुर में जब आजाद हिंद फौज को ज्वाइन करती हैं तो अब बन जाती हैं कैप्टन लक्ष्मी, और इस नाम से ये लोगों में फेमस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका कुछ स्टोरी। अब आगे चल करके गो, व्हेन लक्ष्मी एंड हर रेजिमेंट एंटर्ड इनटू इंडिया, तो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का क्या था कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से अपना जापान के मदद से इंडिया में इम्फाल होकर के, कोहिमा इम्फाल होकर के इंटर करेंगे इंडिया में, और इंडिया से ब्रिटिश लोग को मार के भगा लेंगे। लेकिन जैसे ही इम्फाल के तरफ घुसने वाले थे तो आप देखेंगे इम्फाल को घुसने के लिए, इम्फाल में एंटर करने के लिए जो रास्ता लोग पिक करते हैं वो रास्ता पिक करते हैं बर्मा, और बर्मा में 1945 में इनको ब्रिटिश लोग अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके इनको बर्मा में डाल देता है उठा करके जेल में। अब जब इसी टाइम में आप देखेंगे जेल में इनको जब डाल दिया, फिर 1946 में वहां से इनको अब सेंड कर देता है इंडिया, और दिल्ली में इनको भेज देते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज के जितने भी प्रिजनर्स, जितने भी आर्मी लोग को पकड़ा गया था उनका सबका ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, तो इनको भी ट्रायल के लिए भेज दिया गया। कहाँ पे? 1946 में दिल्ली, और रेड फोर्ट में इनका ट्रायल होने लगा। ट्रायल मतलब केस इनके ऊपर चलाया जा रहा है। 1947 में फिर इंडिपेंडेंस हो गया। 1947 में इंडिपेंडेंस, आप मुझे बताएंगे कि आजाद हिंद फौज के ट्रायल में कौन कौन से लॉयर थे? अगर नहीं पता है तो आप सोच समझ करके कमेंट में बताएंगे, और नहीं पता है तो आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन से लॉयर थे। चार पांच लॉयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर है जो लोग पार्टिसिपेट किए थे छुड़ाने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कांग्रेस को नहीं ज्वाइन करके ज्वाइन कर लेती है सीपीआईएम, क्योंकि ये माइंड से थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप की लीडर लेडी थी, और राज्यसभा में इनको सीपीआईएम एज अ एमपी इनको अपॉइंट कर देता है, तो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती है केस को अपनी पार्टी को। उसके बाद आ गया क्या, 1971, ये चलता रहा इनका पॉलिटिकल करियर चलता रहा, साथ साथ ये मेडिकल अपना प्रैक्टिस भी करती रही। लेकिन हुआ ये कि 1971 में बांग्लादेश का क्राइसिस आया और पाकिस्तान दो पार्ट में टूट गया और बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजी टुवर्ड्स इंडिया की तरफ जब आ रहे थे, खास करके जो बिहारी मतलब हिंदी स्पीकिंग आदमी लोग, वो लोग जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग कहाँ इंटर करेंगे? बंगाल, बंगाल आज वाला बंगाल, कलकत्ता। तो कलकत्ता में बहुत सारे मार पीट करके मार खाए हुए घायल लोग जब आ रहे हैं तो उनके लिए ये कैंप लगाती हैं, रिफ्यूजी कैंप, और उनका इलाज विलाज करती हैं। ये काम 1971 में काम करती है, मतलब हर चीज में एक्टिव रहा करती थी ये लेडी। एवरी एस्पेक्ट, जिस भी लाइफ में, जिस हाथ में काम, जिस चीज में हाथ डाला ना, वो उसमें सक्सेसफुल, उनको सक्सेस हुई। उसके बाद आगे चल करके 1981 में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर ये बनी। ठीक है बॉस, अब इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे भोपाल ट्रेजेडी 1984 में, आप जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट एग्जाम में डब्ल्यूबीसीएस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो इसका देखेंगे गैस लीक हुआ और गैस लीक में बहुत सारे आदमी लोग अधित हुआ, तो ये चली गई भोपाल और लोगों को मदद करने के लिए, उनका मेडिकल इलाज करने के लिए पहुंच गई नेपाल। 1984 से ही आप देखेंगे 1984 में क्या हो गया, इंदिरा गांधी का किलिंग, और इंदिरा गांधी का किलिंग में हो गया है एंटी सिख वॉर। सिख लोग के अगेंस्ट में हो गया दंगा, और कानपुर में तब ये बेस घर बना करके रह रही थी, वहीं से लोगों का इलाज करती थी, तो सिख लोग को भी बहुत ये बचाती है 1984 का सिख दंगा में। तो ये सब इनका लाइफ का क्या है, अचीवमेंट है सोशल वर्क से, है ना। आगे आप देखेंगे हम लोग क्या है, लेकिन एक चीज आप देखेंगे 1940 में इनका, 1938-39 में इनका शादी हुआ था एक नाम से राव बोल करके एक आदमी से जो पायलट था, लेकिन उनसे शादी इनका चला नहीं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जब हो गए तो इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में ये मुलाकात होता है इनको लाहौर में एक आदमी से जिनका नाम था प्रेम कुमार सहगल, और 1947 में उनसे उनका शादी हो गया, और शादी करके चली आई कानपुर, और कानपुर में आकर के सेटल हो गए, और यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे अब क्या हो गया, पहले लक्ष्मी स्वामीनाथन बिकेम कैप्टन लक्ष्मी, नाउ शी बिकेम क्या, कैप्टन लक्ष्मी है ना सहगल, तो ये अब इनका नाम हो गया। आफ्टर मैरिज ये कानपुर में आके सेटल्ड होगी, शी स्टार्टेड मेडिकल प्रैक्टिस है, और रिफ्यूजी लोग को उनका देखभाल करना स्टार्ट कर दिया। शी हैड टू डॉटर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, शी हैड टू डॉटर्स, ठीक है डी नहीं होगा, सुहासनी अली एंड अनिशा पुरी, दो इनकी लड़कियां हुई किनसे, प्रेम कुमार सहगल से। और ये देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के साथ ये हैं लक्ष्मी सहगल, और ये इनका 98 के या 99 का उम्र जब था तब का ये वाला फोटो आपके इनका देख पा रहे हैं। इन 1998 सहगल वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण बाई इंडियन प्रेसिडेंट के आर नारायणन। ठीक है,
और इनको डॉक्टरेट का डिग्री मिला कहाँ से, फ्रॉम कालीकट, है ना, कालीकट इन 2010 में कालीकट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं। अब इनको 1999 में आप देखेंगे, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था, और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार के टाइम पे इनको सीपीआईएम का चारों पार्टी, सीपीएम, सीपीआईएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब लोग मिल करके क्या करता है, प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करता है। लेकिन उस टाइम पे बीजेपी की तरफ से जो आदमी को नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के लिए, वो नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब जीत गए इलेक्शन और बन गए प्रेसिडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है लक्ष्मी सहगल, कैसे इनका लाइफ आगे आगे चल रहा है और कितना चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब चीज को हम लोग आज देखा। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक, और आगे और भी क्लास ऐसा आता रहेगा, और डब्ल्यूबीसी से